भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में जब विरोध पक्ष में बैठती थी वो लोग भी यही काम करते थे। हमको अभी तक याद है कि स्मृति ईरानी जो है वो क्या नाम है कुकिंग गैस सिलेंडर लेके सर पर जो है वो घूमती थी। सुषमा स्वराज जी जो है सनक पर धरना में जो है उनको डांस करते हुए अभी वीडियो मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी तक जो है इसका विरोध करते थे। नमस्कार, आप सब न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आज महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है जिसमें तमाम महागठबंधन के घटक दल शामिल हैं। इसका क्या असर बिहार में होगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। क्या कहेंगे सर? नहीं, जो हालत है अभी आपने बयान किया, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, अब हालत इतनी खराब हो गई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है, धर्म और एक राष्ट्रभक्ति के नाम पर एक कहा जाए तो लोगों के आँख पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है, माने हम विरोधी दल में हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं और हमने एक गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन के आधार पर हम लोग पिछला विधानसभा का चुनाव लड़े थे और तो जनता ने हमको आदेश दिया है हम विपक्ष में रहें और जनता के दुख तकलीफ को हम उजागर करते रहें, उठाते रहें, उसके खिलाफ जो भी कार्यक्रम हो सकता है करते रहें। तो हम अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ज़माने में जब विरोध पक्ष में बैठती थी वो लोग भी यही काम करते थे। हमको अभी तक याद है कि स्मृति ईरानी जो है वो क्या नाम है कुकिंग गैस सिलेंडर लेके सर पर जो है वो घूमती थी। सुषमा स्वराज जी जो है सनक पर धरना में जो है उनको डांस करते हुए अभी वीडियो मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी तक जो है इसका विरोध करते थे। तो अपने जब आप विरोध में थे और आप जो है जनता की समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने विरोध का प्रदर्शन करते थे वो आपको लोकतांत्रिक लगता था, और जब हम आज आप सत्ता में हैं और हम विरोध पक्ष में हैं और विरोध पक्ष के होने के नाते हमारा जो दायित्व है जनता के प्रति उसका हम निर्वहन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ढोंग है, आपको लग रहा है कि ये नकली है। तो ये हमेशा होता है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं दिक्कत क्या आती है। हमको याद है अभी तक वशिष्ठ भाई एक किस्सा सुनाते थे, पटना में 1980 में जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और सच्चिदानंद सिन्हा कर्पूरी जी के काफ़ी नज़दीक थे, सिंचाई मंत्री भी बने थे 77 में जो सरकार बनी थी उसमें जगतानंद सिंह जी के चचेरे भाई वही लगते थे, वही उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और चंद्रशेखर सिंह उस समय जो है वो मुख्यमंत्री होते थे। जो ये हनुमान नगर वगैरह का जो इलाका है उसी इलाके में सम्मेलन के बारे में तय हुआ था कि यहीं कराया जाएगा, स्पेस काफ़ी है वहाँ, लेकिन पानी की थोड़ी दिक्कत थी, जहाँ तहाँ बिजली की दिक्कत थी, सड़क की दिक्कत थी। तो हुआ कि चीफ मिनिस्टर से मिला जाए, तो चीफ मिनिस्टर से लोगों ने समय लिया, समय लेके गए अंदर। तो चंद्रशेखर बाबू चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठे थे, सामने कोई संचिका थी उसमें नज़र गड़ाए हुए थे, उन्होंने नज़र उठा करके भी इन लोगों को नहीं देखा, जो एक शिष्टाचार होता है कि आइए बैठिए वो भी नहीं कहा। तो सत्ता बाबू अपने तरह के चीज़ थे, उन्होंने कहा वशिष्ठ भाई को कि वशिष्ठ जानते हो ये जो कुर्सी होती है ये कुर्सी होती तो टेम्प्रोरी है लेकिन इस पर जो बैठने वाला है उसको ये गलतफहमी रहती है कि कुर्सी परमानेंट। अब जैसे उन्होंने कहा, अब समझिए कि जैसे बिच्छू ने काटा उस तरह से चंद्रशेखर जी जो है उठ के खड़े हो गए, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, सारे समस्या को उन्होंने सुना और तत्काल जो है समाधान उसका हुआ। तो वही स्थिति है कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनको लगता है कि कुर्सी के साथ उनका फेविकॉल वाला रिश्ता है, लेकिन कभी भी ये सत्ता की कुर्सी जो है किसी की अस्थाई नहीं होती। तो आज जो देश की हालत है, भले ही लोग मुगालता में हैं लेकिन कितने दिनों तक आप मुगालता में रखिएगा? जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह अभी जो है किसान आंदोलन जो है जो सुसुप्त हो गया था अब फिर से शुरू हुआ, और इस बार किसानों ने उसके साथ जय जवान और जय किसान जवानों को भी जोड़ा है जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, और ये जो आर्मी में बहाली का जो नया निकला है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसका भी विरोध जो है माने वो लोग कर रहे हैं। और ट्रेड यूनियन जितने हैं, जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है, देश
बेच रही है, ये दिल्ली की सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बैंकों को बेच रही है, एयर इंडिया को बेच दिया, जितने में ही LIC को का भी उसी तरह से मैंने उसका भी निजी हाथ में देने का या निजी लोगों को उसमें शामिल करने का जो है काम हो रहा है। ये सब कुछ जो है जो इन्होंने कुछ अर्जित नहीं किया, जो पहले से अर्जित था, सरकारों ने अर्जित किया था, उस सब को जो है बेच रहे हैं। किसके इशारे पर बेच रहे हैं भाई? वर्ल्ड बैंक के इशारे पर, IMF के इशारे पर बेच रहे हैं इसको। विदेशी मुद्रा चाहिए। चीन के साथ हालत ऐसी है, 56 इंच के सीना की बात होती है। आप देख लीजिए कि ताइवान जैसा छोटा मुल्क जिसकी आबादी 2,30,00,000 है, वहाँ महिला जो है वो राष्ट्रपति है और अपने से कई कई गुना ताकतवर चीन के सामने मजबूती के साथ खड़ी है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी एक डायलॉग बोले, चीन न हमारे सीमा में घुसा है, न घुसा हुआ है, न कब्जा में है। उसके बाद आज तक इन्होंने नहीं भेजा। जिस समय झूला झूला रहे थे उस समय चीन हमारे सीमा में घुसा हुआ था और हर तरह का एविडेंस मिल रहा है कि चीन वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है लद्दाख में, नेफा में। और अब एक नई किताब आई है, उसकी वो किताब कह रही है कि 13 दिन से अधिक जो है हिंदुस्तान चीन के साथ लड़ाई में टिक नहीं सकता। और सब चीज़ के मामले में देखिए, हमसे कम ज़मीन है उसकी खेती में, हमसे दुगुना ज़्यादा अन्न का उत्पादन करता है, हमसे कई गुना ज़्यादा स्टील का उत्पादन है, उसके यहाँ 100% शिक्षित लोग हैं, हेल्थ का उसी तरह से इंतजाम है। हमारे यहाँ क्या है देख लीजिए, ये स्थिति है, देश की स्थिति बहुत ख़राब है। और हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता को देश की स्थिति बताएं और जनता को हम प्रेरित करें इस सरकार से संघर्ष करने के लिए। वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। आज उसी का प्रोग्राम है, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन जो है वो मार्च करने वाला है निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, जिन्होंने अच्छी बातें भी बताई है, उन्होंने पहले की भी बात बताई और साथ ही साथ भविष्य में जो क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से आपको जरूर लाभ होगा और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम आपका सवाल जो रहेगा वो हम सर से जरूर सवाल पूछेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।